लाइफ प्रोसेसर्स की प्रामुख्यता। सभी जीवक वस्तुएं सेल्स से बनाती है, सेल्स मॉलिक्यूल्स से बनाते हैं। एक सेल को जीवित रखने के लिए हर समय इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस करना पड़ता है। सेल्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए निरंतर नए मॉलिक्यूल्स की सप्लाई की आवश्यकता और वेस्ट मॉलिक्यूल्स को निकलाने की आवश्यकता होती है। यह कार्य लाइफ प्रोसेसेस नामक प्रोसेसेस के एक समूह द्वारा प्राप्त किया जाता है। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिजम्स को भोजन प्राप्त करता है और इसे पोषक तत्वों में परिवर्तित करता है। इन पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा सेल्स के लिए आपूर्ति की जाती है। रेस्पिरेशन एक और जीवन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से सेल्स को प्रदान करते हैं। सेल्स में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए से कुछ पोषक तत्व और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कुछ पोषक तत्वों का ग्रोथ और रिपेयर के लिए न्यू मॉलिक्यूल्स के बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपरोक्त गतिविधियों में सेल्स में कुछ वेस्ट मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं। ये विषक्त है। एक्सक्रीशन एक जीवन प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से विषक्त सामग्री का उत्सर्जन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक जीवन प्रक्रिया है जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। इसलिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जीवों के लिए आवश्यक चार जीवन प्रक्रियाएं हैं।